अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। अभी मुझे मामू की कॉल आई और हमने जाना है मामू के घर, और वहाँ से हमने लेना है, मामू ने कुछ ना बेकिंग का सामान मंगवाना है, तो वहाँ से हमने गाड़ी को लेना है। यहाँ से हम जाएंगे बाइक पर, मैं और आदिल जाएंगे। अभी मैंने आदिल को घर से लेना है, उसके बाद हम मामू के घर जाएंगे, वहाँ से हम गाड़ी लेंगे मामू के घर से। गाड़ी में फिर हम आगे जाएंगे अरम भाई के फ्लैट पे, अरम भाई को फ्लैट से लेंगे। फिर हमने ना बेक हाउस जाना बेकिंग का सामान वगैरह लेने के लिए। मामू ने केक वगैरह बनवाने, उनके ऑफिस में कुछ गेस्ट आ रहे हैं उनके पास, तो उन्होंने उनके लिए मेरे से केक वगैरह बनवाने। यू नो के आई एम शेफ, तो बेकिंग के लिए सामान वगैरह लेना है, तो चलते हैं यार। वैसे बाइक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बाइक पर वीडियो बनाना बड़ा टफ हो जाता है, वॉइस का इशू बहुत बनता है, वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो इसलिए हम ना गाड़ी में जब होंगे तब वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, आदिल को लेते हैं घर से। आदिल को लेने के बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो। Few moments later. हमने मामू के घर से गाड़ी लेनी थी, हमने इस वक्त गाड़ी ले ली है मामू के घर से। अब हम आ जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मिशन पे। नेक्स्ट मिशन है हमारा अरम भाई के पास जाना फ्लैट पे, वहाँ से हमने सामान लेना है बेकिंग का। एक बार फिर से हम करेंगे बेकिंग, ये बॉय मजा आएगा। तो हमारे साथ रहें, चलें हमारे साथ सफर में, आपको भी मजा आएगा सफर करने का। वैसे आज जुम्मा है, सबसे पहले तो हमने जुम्मा पढ़ना वहां पर जाके, जुम्मा पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद हमने अपना बेकिंग का सामान लेना है। वो सामान लेकर हम वापस आएंगे, गाड़ी मामू के घर खड़ी करेंगे। मामू के घर गाड़ी खड़ी करने के बाद हम दोबारा अपनी बाइक पकड़ेंगे और घर चले जाएंगे, ठीक है। तो यार इस वक्त ना टाइम हो चुका है 1:30, तो हम जुम्मा यार 2 बजे होना है, और अभी हमें लग जाएंगे 15 से 20 मिनट वहां पर पहुंचते पहुंचते। आगे थोड़ी सी तेज ड्राइव कर लो भाई, जल्दी पहुंचे वहां पर, और हमने जाना अभी अरम के पास, वहाँ से वही सामान वगैरह लेना है। जुम्मा पढ़ना ज़रूरी है भाई, हफ्ते में एक मरतबा नमाज तो पढ़ ले। आदिल वैसे भी जुमे वाले दिन आदिल वैसे भी नहाता है, आज इसके मुंह पे लग नहीं रहा है नहा के आया है। यस टाइम से नहा लिया, टाइम से कितने बजे नहाए हो? सुबह 4 बजे उठ के नहा लिया, 11 बजे उठ के नहाया बच्चा सुबह, अभी भी टाइम से नहाया। फिर बाइक पे चक्कर लगाए यार, मौसम वैसे अच्छा था। आदिल कह रहा गाड़ी में जाएंगे, मौसम बहुत गर्म है, लेकिन मौसम ठंडा है, ठंडा है। गाड़ी तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अरम भाई के फ्लैट पे, और अब हम जाएंगे जुमा पढ़ने। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जुमा पढ़ने के बाद। अब हम जुमा पढ़ लें पहले। अरम भाई के फ्लैट तो हम पहुंच गए, ये साथ ही है, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे अरम के फ्लैट पे, वहाँ से जाएंगे जुमा पढ़ने। ये रहा इसका फ्लैट है, मैं दिखा नहीं सकता, जो इतना बुरा इस फ्लैट का हाल है ना, इधर का पंखा देख लो, ये यहाँ पर फ्लैट है। इसकी जो बेसमेंट है ना वो है ही नहीं असल में। वो तो हमने मजाक किया था आपसे पिछले ब्लॉग में, छोटा मामू इन ड्राइव पे चलाते हैं ना, मामू नहीं चलाते। हमने जुमा वगैरह हमने पढ़ लिया, अब हमने थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा लेना था, अरम भाई थोड़ा कम सामान लेकर आए हैं, और वो हमने चेंज करवाना, एक तो चेंज भी करवाना और थोड़ा एक्स्ट्रा सामान भी लेकर आना। अब हम निकलते हैं, अरम भाई आ गए, हाँ चले गाड़ी में, इसमें जुमा है, आ जाओ भाई बैठो चले। उसमें जरूरत भी है, उसमें जरूरत है आपको अपनी शर्ट अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग भी कर दी मैंने अपनी शर्ट की। और यहाँ पर अच्छा सामान और अच्छी ही कीमत पे मिल जाता है वैसे तो। अब यहाँ से हम अपना सामान लेंगे और चलेंगे, गाड़ी करते हैं पार्किंग और यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई हो गई लॉक, देख कितना चिट्टा आ रहा है, ओए होए 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 इसको कहते हैं चिट्टा, वो ज्यादा जो तेरे वाला ना अच्छा नहीं है यार कलर मेरा। एक हाउस आ गया, वो वाइट वाले भी ठीक है।
How much is it? 5.5 Okay, let's go. भाई मैंने अपने लिए लिए चोको चिप्स बहुत ज्यादा मुझे बहुत स्वादी है यार बहुत स्वादी ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है वैसे ये दोनों बेईमान हो गए कह रहे हैं ये सारी हमें दे दो और मैं देने वाला नहीं हूँ भाई अपनी अपनी यार ये इंतहा से ज्यादा लेवल की है और अरम भाई बेईमान हो गए मुझसे सारे छीनने वाले अरम भाई आपको नहीं मिलने वाले अरम ने आदिल को भेजा दोबारा लेने के लिए आदिल गए दोबारा लेने और ये हम खा रहे हैं और ये मजा करवा रही है ये बेईमान हो गए आदिल ले आओ उसको उसको बच्ची की बर्थडे है ना मैंने केक बनाना है वो स्कूल भी जाती है वैसे हाँ स्प्रेड लगा दे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगा दे नहीं यार नहीं आप खुद ले आओ यार क्लीन देख आदिल ने कैसे जीती मोल तुम लोगों ने कहा था ना मैं ले आया यार क्लीन ले आ मैं अकेला नहीं जाने वाला यार मैं भी तो अकेला गया हूं ये मैं सामान रख दूं पहले सारा पैसे रखता हूं यहां पर और अपनी चॉकलेट्स रखता हूँ यहाँ पर और जो मेरी बाकी की सारी चॉकलेट है ना इतनी ज़्यादा वाली वो मैं निकाल लेता हूँ अपनी पॉकेट में रखता हूँ मैं ये भी रखता हूँ मैं ये भी रखता हूँ मैं ये पैसे भी रखता हूँ और मैं फिर जाता हूँ दोबारा लेने के अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा जाना है चॉकलेट्स लेने के लिए आदिल और अरहम के लिए चॉकलेट लेने जा रहा हूँ लगे हुए हैं पुटर पुटर मुझे ना ये ज्यादा भी ना खाओ ये गर्मी हो जानी दाने निकलने मुंह मैं इतनी ज्यादा नहीं खा रहा मैं अभी रखूंगा अपनी स्लो स्लो खाऊंगा अपने ना स्टोर कर रहा हूं मतलब बच्चे तो इतनी ज्यादा खाएंगे उन्होंने कौन सा मना होना है सामान ना चेंज करवाना तो उसके लिए हम आ गए बेक हाउस नहीं कार लेकर आए हैं यहां से सामान चेंज करवाना है वो डिग्गी से निकाल लो यार क्रीम ब्राउन शुगर और चॉकलेट निकाल लो बस चॉकलेट भी डिल है तेरे पास यार, उसको पता है गोरा सा लड़का आया था सामान लेकर गया था चॉकलेट लेकर गया था फोन वापस कर दिया लॉक ओपन करो पड़ गया चोर गई का ओपन कर दी तुझे मैं बता रहा हूँ अरे ने मेरी चॉकलेट उठाई है यहाँ से अरे मुझे वापस करो आप नहीं कहा आपकी जो 200 की लेकर आए हो बच्चे की बर्थडे हमने बच्चे को देना वो बॉक्स मंडे को 9 के आए मैं चॉकलेट लवर तो अब तक मैंने ये ना 5 से 7 खा लिए रंग देखो मेरा काला हो गया चॉकलेट खाते खाते अरे भाई ने भी 3-4 खा लिए ये मुंह पे दाने निकल आने और मैं पहले ही एक दाना इधर ना निकला है उसको कम करने के ये दाना नहीं निकला आपके पूरा वो प्लाजा खड़ा हुआ है ब्लॉक में Few moments later. अरम भाई को ना उसके फ्लैट पे ड्रॉप करके आ गए अब हम आगे जा रहे हैं घर वापस आ रहे हैं अब हमने मामू के घर जाना है पहले उसके बाद घर जाएंगे भाई सामान वगैरह लेकर हम पहुंच गए मामू के घर और अब हमने गाड़ी पीछे बाहर पार्क कर दी थी गलियां छोटी नहीं सर प्लीज नॉक द डोर तो यार हम ना मामू के घर से वापस आ गए थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे मैं तो आके लेट गया था मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और ये हमारे हाफिज़ मोहम्मद बिलाल हैं हाफिज़ मोहम्मद बिलाल क्या खा रहे हो सेब मुझे भी दो यार वैसे भी जब सोकर उठते हैं ना काफ़ी भूख लगती है तो यार मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ख़त्म बेकिंग तो हम नहीं कर पाए और लेकिन इंशाल्लाह हम बेकिंग भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम बेकिंग करेंगे आप सबके साथ तो अभी मैं सेब खा लूँ और व्लॉग को करते हैं यार यहीं पर ख़त्म इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय